सुकरात कहते हैं कि शुरुआत करने का तरीका यह है कि बात करना छोड़ो और काम करना शुरू करो। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम जिंदगी को और भी मजेदार बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, एक ऐसा सफर जहां हम नए नए लोगों से मिलते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सफर में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपके पास ही रहनी चाहिए? जी हां, आज हम बात करेंगे ऐसी चार बातों के बारे में जो आपको हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बातें आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं और इन्हें छुपा के रखना आपके फायदे में ही होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह खास विषय। दोस्तों, आपकी निजी जिंदगी कोई आम किताब नहीं है जो सबके लिए खुली हो। यह एक अनमोल खजाना है जिसे आपको बहुत ही सावधानी से संभालना चाहिए। यह सिर्फ आपकी है और इसे आपको ही संभालना है। आपकी निजी जिंदगी के हर पहलू को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपके रिश्ते कैसे हैं, आपके घर में क्या चल रहा है, आपका रोज का काम कैसा है, ये सब बातें सिर्फ आप तक ही रहनी चाहिए। यह बातें आपके जीवन का हिस्सा हैं, जिन्हें आप अपने हिसाब से जीते हैं। क्योंकि अपनी जिंदगी की सारी बातें सबको बताना ऐसा है जैसे आपने अपने घर के आगे लिख दिया हो कि अंदर आओ और देखो। यह एक खुला निमंत्रण है जो आपको अनचाही समस्याओं में डाल सकता है। और याद रखिए, हर कोई आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकें। कुछ लोग आपके सुख दुख में साथ देने के बजाय आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। वे आपके निजी जीवन की जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अपनी निजी जिंदगी को अपनी डायरी की तरह समझो, जिसे सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं। यह एक सुरक्षित स्थान है जहां आपकी सभी भावनाएं और विचार सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि जब आप अपनी पर्सनल बातें दूसरों से शेयर करते हैं तो आप उन्हें अपने ऊपर हुकूमत करने का मौका देते हैं। वे आपके जीवन के निर्णयों पर प्रभाव डाल सकते हैं। और यकीन मानिए, आपकी जिंदगी पर आपसे अच्छा कोई और कंट्रोल नहीं रख सकता। आप ही अपने जीवन के सबसे अच्छे मार्गदर्शक हैं। इसलिए अपनी निजी जिंदगी को सीक्रेट रखें और खुद को फालतू की टेंशन से बचाएं। यह आपको मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकेंगे। दोस्तों, आपका फ्यूचर आपके हाथों में है। ये एक खाली कैनवास की तरह है जिस पर आप अपने सपनों के रंग भर सकते हैं। आपके सपने, आपकी इच्छाएं, ये सब आपके फ्यूचर की नींव हैं। ये वो बीज हैं जिन्हें आप आज बोते हैं और कल एक हरे भरे पेड़ के रूप में देखते हैं। और जब आप अपने प्लान दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आप उन्हें अपने सपनों को तोड़ने का मौका देते हैं। यह एक जोखिम है क्योंकि हर कोई आपके विजन को नहीं समझ सकता। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपके सपनों को देखकर जलेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वे आपकी सफलता को अपनी असफलता के रूप में देखते हैं। हो सकता है कि आपके अपने भी अनजाने में ही सही आपके हौसले पस्त कर दें। कभी कभी वे अपने अनुभवों के आधार पर आपको सलाह देते हैं, लेकिन यह सलाह हमेशा सही नहीं होती। क्योंकि जब आप किसी चीज को पाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तो लोगों को आप पर शक होता है। वे आपके प्रयासों को नहीं देख पाते, केवल आपके संघर्ष को देखते हैं। लेकिन जब आप उसे पा लेते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकते। आपकी मेहनत और समर्पण को तब जाकर वे समझ पाते हैं। इसलिए अपने प्लान्स को सीक्रेट रखें और चुपचाप मेहनत करें। अपने सपनों को अपने दिल में संजोएं और उन्हें अपनी मेहनत से सींचें। अपनी सफलता को ही शोर मचाने दो, आपकी प्लानिंग को नहीं। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे तो आपकी सफलता खुद ब खुद बोल उठेगी और तब आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मेहनत और समर्पण की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जो रिश्तों को बदल सकता है। यह न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है बल्कि हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे संबंधों को भी प्रभावित करता है। आपकी कमाई आपकी निजी जानकारी है और इसे आपको सुरक्षित रखना चाहिए। यह जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है और इसे साझा करने से पहले आपको दो बार सोचना चाहिए। यह किसी से भी शेयर करने वाली बात नहीं है, चाहे वो आपके कितने भी करीबी क्यों ना हो। कभी कभी हमारे सबसे करीबी लोग भी अनजाने में हमारी आर्थिक स्थिति का गलत फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जब लोग आपकी कमाई के बारे में जानते हैं
तो उनके मन में आपके प्रति कई तरह के विचार आ सकते हैं। वे आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं या फिर आपके पैसे का उपयोग अपने लाभ के लिए करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग आपसे जलन करने लगेंगे तो कुछ लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। यह स्थिति आपके लिए मानसिक तनाव और असुरक्षा का कारण बन सकती है और कई बार आपकी मदद करने के नाम पर भी लोग आपकी आजादी छीन सकते हैं। वे आपको आर्थिक रूप से निर्भर बना सकते हैं, जिससे आपकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अपनी कमाई, अपनी सेविंग, अपने इन्वेस्टमेंट, इन सब बातों को अपने तक ही सीमित रखें। यह न केवल आपकी आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपके मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि आपकी कमाई आपकी सुरक्षा कवच है। इसे मजबूत रखें। यह आपको न केवल वर्तमान में सुरक्षित रखेगा, बल्कि भविष्य में भी आपको आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाएगा। याद रखें, आर्थिक सुरक्षा केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन की गुणवत्ता और आपके प्रियजनों की भलाई के बारे में भी है। इसलिए समझदारी से अपने वित्तीय निर्णय लें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएं। दोस्तों, परिवार हमारी ताकत होता है, हमारा सहारा होता है, और हर परिवार में कुछ न कुछ परेशानियां आती रहती हैं। लेकिन इन फैमिली मैटर्स को दुनिया के सामने लाना घर की दीवारों को कमजोर करने जैसा है, क्योंकि जब आप अपने परिवार के निजी मामलों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आप उन्हें अपने परिवार में दखल देने का मौका देते हैं। और कई बार लोग आपके परिवार के मामलों में अपनी राय देकर चीजों को और भी बिगाड़ देते हैं। इसलिए अपने परिवार के झगड़ों, मतभेदों या किसी भी तरह की परेशानी को अपने घर की दहलीज के अंदर ही सुलझाएं, क्योंकि आपके परिवार की इज्जत आपके हाथों में है, इसे बचाए रखें। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इन चार बातों को हमेशा याद रखें और अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बनाएं। अगर हाँ तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन जरूरी बातों को जान सकें। धन्यवाद।